उत्तर प्रदेश के हरदोई के ग्राम रहुला में तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम छा गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने अंकित के शव को तालाब से निकाला। घर वालों के मुताबिक अंकित की अशोक कुमार डिग्री कॉलेज पर चल रसूलपुर माधोगंज में पढ़ाई चल रही थी। मृतक बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था जो पढ़ाई में काफी तेज था। अंकित दो बहन और तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। अंकित की मौत से घर वालों के साथ साथ पूरा गांव सदमे में है। जानकारी के अनुसार अंकित की उम्र करीब 23 वर्ष है, जो कि बृहस्पति दोपहर करीब 12 बजे अपने घर से तालाब में नहाने के लिए निकला था। वह गाँव के उत्तरपुर में स्थित तालाब पर पहुंचा, जहाँ पर और भी युवक गांव के नहा रहे थे। अंकित ने जैसे ही तालाब में छलांग लगाई तो वह अधिक गहराई में जा पहुंचा, जहां से वह निकल नहीं पाया। आसपास के नहा रहे युवकों ने अंकित को डूबता देख चिल्लाना शुरू किया। आवाज सुनते ही पूरा गांव तालाब के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। गांव के प्रधान पति सुरेश पाल समेत आधा दर्जन लोग तालाब में कूद कर अंकित को ढूंढने लगे। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद अंकित को तालाब से बाहर निकाला और फौरन ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम ले जाया गया, जहां पर अंकित को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। हाँ पंडित जी, कैसे क्या डूब गए? हम भैया लेटे रहा, हमें नींद आई, रात भर एक जगह रहा ना, तो गाय आए हमारी, ये चपरे में रहा है, तो इनके मारे नींद ना आया। हम पड़ के सोए गए, जब आवाज चिल्लाने बच्चा तब हम मतलब दौड़े हम एकदम। अच्छा, पैर पैर आए पैर ना, जो हम घुस के देखते भरते। तो कितनी देर बाद लोगों ने बचाया आके? देखा कर एक डेढ़ घंटा हो गया, एक घंटा हो गया एकदम। तो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।